वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैथ के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पर, उसके पार्ट नंबर 3 पर। इससे पहले मैं पार्ट 2 बना चुका हूँ जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट समझे थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार ये पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट पहले वाले 2 देख लें ताकि उनका ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये कहता है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या कुछ भी हानि हो रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब इस सवाल को करने के तरीके या इस क्वेश्चन को करने के तरीके तीन चार मेथड हैं, तीनों चारों शॉर्ट मेथड है। तो अपने एक ही मेथड से करेंगे क्योंकि आगे जितने भी टाइप कर रहे हैं वो इसी मेथड से करेंगे। लेकिन ये मेथड थोड़ा आराम से देखिएगा, पहले तो आपको समझने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप इजी से कर सकते हो, इजी से क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे पहले अपने रुपए लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है। एक तरफ रुपए लिखेंगे, एक तरफ क्वांटिटी लिखेंगे। तो कहता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक तरफ सीपी लिख दो, एक तरफ एसपी लिख दो, ठीक है। ये थोड़ा बनाने में आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ओरली कर सकते हो ये क्वेश्चन। देखते हैं, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो वस्तुएं कितनी हैं 15, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, क्या ज्ञात करना है अपने को, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो यहाँ अपने को रुपए नहीं दे रखे, तो रुपए अपने एक एक मान लेते हैं, एक एक रुपया क्या मान लेते हैं, एक एक रुपए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को रुपए दिए होंगे, देखिए 10 रुपए 15। तो अपने को पहले ही ये कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं ताकि अपने को और इजी समझ आ जाए। तो अपने करेंगे क्या, पहले अपने पहले इस प्रकार चलेंगे, इस प्रकार गए तो कितना है 15, फिर इस प्रकार जाएंगे -12 है, और इस प्रकार गए उसी को बटे में लिख देंगे 12 × 100, क्योंकि अपने को परसेंट में लाभ या हानि ज्ञात करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कितना बचा, सब्सट्रैक्ट किया 15 में से 12, 3 बचा, 3 बटे 12 × 100, ये 4 पे गया और ये कितने पे गया 25, तो कितना आया 25%। ये हमारा करने का वे हुआ। और भी इसके मेथड है करने की, ये तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अपने को इसी मेथड से 3 4 टाइप और करने, तो करके अपने इसी मेथड में परफेक्ट हो जाते हैं ताकि अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आइए और देखते हैं क्वेश्चन इसी मेथड पे। ये कहता है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कितना आएगा रुपये, और यहाँ कितना है क्वांटिटी। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, रुपये एक एक मान लेते हैं, पहले 12 आएगा फिर 16 आएगा। अपने को कैसे चलना है, पहले इस तरफ चलना है 12 − 16, क्योंकि जो लास्ट में चलेंगे उसी को बटे में लेके आना 16 × 100, तो कितने बचे। अगर माइनस सिंबल आएगा तो हानि होगा मतलब लॉस होगा, अगर प्लस आया तो प्रॉफिट होगा। तो −4 × 16 × 100, तो ये कितने पे गया 4 पे, तो कितना है 25, तो 25% हानि हुई, या तो इस प्रकार हानि लिखा जाएगा या इस प्रकार लिखा जाएगा 25% हानि, ठीक है, −25% या 25% हानि। तो यहाँ अपने को 25% प्रॉफिट हुआ था। आप आगे क्वेश्चन और चलते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। इसका 25% कितना आया था, इसका 25% लाभ आया था, इसका 25% हानि आया था। आगे क्वेश्चन देखें। मनीष ने 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीद कर, कहता है कि 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीद कर 15 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ये वाला हमारा टाइप हो चुका है। आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस सवाल में प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरी कोशिश की जाएगी आपके वो सवाल सॉल्व करने की। आगे देखते हैं कि वही सेम का सेम कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे अपने। एक तरफ तो रुपीज़ लिखेंगे, एक लिखेंगे क्वांटिटी। तो 10 रुपये में 15 पेंसिल खरीद कर, तो सीपी कितना हुआ 10 रुपये 15 पेंसिल। पहले अपने को 1 रुपये मानना पड़ता था दोनों तरफ, यहाँ अपने को रुपये दे रखे हैं, तो 15 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी जाती है, 15 रुपये में 10 पेंसिल बेच दी जाती है। यहाँ अपने सीपी मानते थे, यहाँ एसपी मानते थे। ओरल भी कर सकते हैं क्योंकि आप 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो पहले किस पर चलेंगे, 15 15 कितने होते हैं 225, −10 × 10 कितने होते हैं 100 × 100, ये 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा, 225 में सब्सट्रैक्ट किया 100, तो 125, 125% क्या हुआ हमें लाभ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम का सेम ऐसा है बिल्कुल का बिल्कुल, ताकि आपको और ज़्यादा ये टाइप समझ आ जाए। तो क्या था, 8 रुपये में
₹5 में 8 की दर से, ₹5 में 8 की दर से नींबू खरीद कर, पहले ₹5 में 8 नींबू खरीदे, फिर ₹3 में 4 की दर से नींबू बेच दिए, तो बताइए ये कितना लाभ यहाँ नहीं हुआ। तो पहले क्या लिखेंगे, रुपए की तरफ रुपए लिखेंगे, 5 8, फिर क्या लिखेंगे, ₹3 में 4, तो किस प्रकार चले, 24 माइनस 20, क्योंकि 20 पे रुके हैं तो बटे 20 गुना 100, ये कितना आया, 4/20 गुना 100, ये कितना आया, 5, ये कितना आया, 20, तो उसे 20% का लाभ हुआ, कितना, 20% का लाभ हुआ, यहाँ 125% का लाभ हुआ था। ये हमारे दो टाइप हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइप पर, सेम का सेम ऐसा टाइप है, कहता है कि ₹5 में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। इससे टाइप करने से पहले अपने ये वाला टाइप करते हैं ताकि आपको इस टाइप में और क्लियर हो जाए जो लास्ट टाइप किया अपने। आइए देखते हैं, कहता है कि ₹2 में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती हैं, कहता है कि ₹2 में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती हैं, उतने ही नींबू ₹3 में 4 की दर से खरीदी जाती हैं, और नींबू को ₹2 की दर से बेच दिया जाता है, तो बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो पहला एक बार तो यहाँ खरीदा फिर बेचा, एक बार तो अपने एक मतलब एक व्यक्ति दो अलग अलग शॉप से कुछ ना कुछ मतलब रेट पर नींबू खरीदता है, मान लो ये शॉप नंबर 1 है, ये शॉप नंबर 2 है, यहाँ से कुछ रेट से खरीदेगा, यहाँ से भी कुछ रेट से खरीदेगा, इन दोनों को मिक्स करके फिर वो मतलब उन नींबुओं को बेच देगा, तो बताइए उसे लाभ या हानि हुआ, वो ज्ञात करते हैं कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को। पहले कहता है कि ₹2 में 5 की दर से मतलब ₹2 में कितने खरीदे, 5 नींबू, फिर खरीदे ₹3 में 4 नींबू, फिर बेचे कितने, ₹2 में 3 नींबू बेच दिए। अब करने का तरीका देखिए, यहाँ से तो ₹2 में 5 नींबू खरीदें, यहाँ से ₹3 में 4 नींबू खरीदें, अब इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को मिक्स करना है तो अपने नींबू की क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, यहाँ 5 नींबू खरीदे हैं, यहाँ 4 नींबू खरीदे हैं, अपने को पैसा इक्वल नहीं करना है, अपने को क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो क्वांटिटी इक्वल करने के लिए अब देखो दोनों के टेबल में एक ही चीज़ सेम आती है 20, तो अपने 20-20 नींबू खरीद लेते हैं दोनों शॉप से, तो इसको 20 बनाने के लिए अपने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 20 बनाने के लिए यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आया, यहाँ ऊपर वाले में तो आया ₹8 में 20 नींबू खरीदता है, यहाँ ₹15 में 20 नींबू खरीदता है, तो आप चेक कर सकते हो ₹8 में 20 खरीद रहा है तो ₹2 में 5 ही खरीदेगा, इसे ज़्यादा नहीं खरीदेगा, तो मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ₹23 में वो 40 नींबू खरीदता है, कितने रुपये खरीदता है, 23 रुपये में 23 रुपीज़ में वो 40 नींबू खरीदता है, तो नींबू खरीद लिए उसने, मैंने दोनों की, अब दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के लिए दोनों की क्वांटिटी सेम करेंगे, यहाँ तो 5 नींबू खरीद रहा है, यहाँ 4 नींबू खरीद रहा है, तो मैंने दोनों की क्वांटिटी सेम कर ली, दोनों को 20-20 बना लिया, अब जोड़ा, अब ऐड किया, तो ₹23 में 40 नींबू खरीद रहा है, ₹23 में 40 नींबू खरीद रहा है, ठीक है, फिर ₹2 में 3 की दर से बेच रहा है, अब वही का सेम प्रोसीजर बन गया पहले वाला, इस चलेंगे 80, ये कितना है, 23 69/69 × 100, ये कितना बचा, 11/69 × 100, तो आंसर कितना है, 1100/69% क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। आगे चाहे तो आप इसे डिवाइड और कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए आंसर कई बार इतना भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में किस प्रकार आंसर देखा है, तो अपने उस प्रकार आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम का सेम है, कहता है कि ₹1 में 4 की दर से पहले कहता है ₹1 में 4 की दर से खरीदे, फिर उतने ही नींबू ₹1 में 8 की दर से अब दोनों तरफ खरीद लिए, अब दोनों को मिक्स करना है तो क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे, दोनों के टेबल में कौन सी चीज़ सेम आती है, दोनों के टेबल में 8 सेम आ रहा है, तो अपने 8, ये तो 8 है ही, इसको 8 बनाने से किससे मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना बन गया, ₹2 में 8 नींबू खरीद रहा है, इट मीन्स ₹1 में 4 नींबू, वही सेम की सेम, अब ₹2 में 8 नींबू खरीद रहा है, ये अपनी जनरल बात है,
2 रुपए में 8 खरीद रहा है तो 1 रुपए में कितने खरीदेगा, 4। सेम की सेम वही बात आ गई। और ये 1 रुपए में 8 नींबू खरीद रहा है तो वो 3 रुपए में कितने नींबू खरीद रहा है, 3 रुपए में 16 नींबू खरीद रहा है, 3 रुपए में 16 नींबू खरीद रहा है। और बेच कितने में रहा है, 1 रुपए में 6 नींबू बेच रहा है, 1 रुपए में 6 नींबू बेच रहा है। तो वापस वही अपनी चीज लिख लेंगे, 3 16 1 6, तो किस प्रकार चलेंगे, 16 -18 / 18 * 100, ये कितना है, सब्सट्रैक्ट किया तो -2। माइनस का तो सिंबल किसका रिप्रेजेंट करता है, लॉस को प्रेजेंट करता है, तो 18 * 100 तो ये कितना है, 9। तो -100 / 9 इट मीन्स कितना हुआ, 11 सही 1/9% की उसे हानि हुई या लॉस हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला टाइप भी हमारा क्लियर होगा, ये उसी पे डिपेंड था जो अपने पहला टाइप किया था, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा टाइप, कहता है कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। अब ये सेम का सेम टाइप जब अपने पहला पार्ट किया था और पहले पार्ट का पहला ही टाइप था उसके जैसा है, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों ने वो टाइप नहीं देखा था या वो वीडियो नहीं देखी थी, तो ये टाइप था वो सेम का सेम। कहता है कि राहुल ने एक अलमारी, पहले अपने ये समझ लेते हैं अगर किसी के माइंड से स्लिप हो चुका है तो अपने दोबारा से इमेज बनाते हैं हल्की सी। कहता है कि राहुल ने एक अलमारी 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 6% लाभ पर बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम का सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन यहाँ उसने मतलब 5 रुपए में 8 की दर से इस प्रकार क्वेश्चन बना दिया। तो पहले अपने ये समझते हैं ताकि आपको वो टाइप आराम से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, कहता है कि राहुल ने एक अलमारी कितने रुपए में खरीदी, सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 8,000, तो उसे प्रॉफिट उसने 6% लाभ पर उसे बेच दिया, 6% लाभ पर उसे बेच दिया, तो अलमारी का विक्रय मूल्य बताइए। तो अपने से वो क्या पूछना चाहता है, सेलिंग प्राइस पूछना चाहता है, अपने को प्रॉफिट कितना हो रहा है स्टूडेंट, 6% का। अपने को ये तो पता है कि 8,000 में खरीदी है उसे 6% प्रॉफिट पर बेच रहा है, इट मीन्स अपने को ये तो पता है कि जब बेचेगा उसकी कीमत 8,000 तो होगी, 8,000 से 8,000 तो होनी चाहिए क्योंकि उसे लॉस हो प्रॉफिट हो रहा है, तो 8,000 से इतना तो मानते हैं कि 8,000 तो होगी होगी, 8,000 से ऊपर कितना है वो ले रहा है, 6%, तो 8,000 से ऊपर 6% निकाल लो तो कितना आया, 8 6 48, 480 रुपये। तो 8,000 रुपये तो खरीदी थी लेकिन 6% प्रॉफिट पर बेच रहा है, इट मीन्स 480 रुपये ज़्यादा ले रहा है वो 8,000 से, तो कितना हुआ, दोनों को ऐड किया तो 8,480 रुपये हुए। तो उसने उसे कितने रुपये बेचा, 8,480 रुपये में। एक तरीका तो स्टूडेंट ये है, दूसरा स्टूडेंट ये होता है अपने जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, 100% होती है, अगर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 हो जाएगी, अगर 10% का लॉस हो रहा है तो 90 हो जाएगी, अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 115 हो जाएगी, अगर 7% का लॉस हो रहा है तो वो 93 हो जाएगी। अब अपने को पता है कि 8,000 रुपये में खरीद कर उसे 6% का लाभ हो रहा है, इट मीन्स वो कितना कर रहा है, 8,000 का अपने सीधा ही 106 निकाल लेते हैं, मतलब 6 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर 8,000 का 106 निकालते हैं तो भी आ जाएगा आंसर, तो कितना हुआ, 0 8 6 48 8, तो 8,480 आंसर। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा, यदि वो खरीद रहा है और बाद में अपने से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ये करने का तरीका है। अब करते हैं देखते हैं, कहता है कि 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, किस दर से बेचा जाए, इट मीन्स वो अपने से सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं स्टूडेंट। तो सेलिंग प्राइस अपने ज्ञात करके आए हैं कि पहले खरीद रहे हैं फिर उसे प्रॉफिट परसेंट पर बेच रहा है। कहता है कि 5 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदता है, 8 वस्तुएं खरीदता है। अपने कभी शॉप में जाते हैं तो अपने शॉप में जाते हैं तो अपने कहते हैं ना, तो दुकानदार अपने से कहता है कि ये 10 वस्तुएं 5 रुपए की हैं, 10 वस्तुएं 5 रुपए की है, तो अपने पूछ लेते हैं कि 1 रुपए में कितनी आएगी, तो अपने क्या करते हैं 10 में क्या कर देते हैं 5 का डिवाइड करते हैं, तो 1 रुपए में 2 वस्तुएं आएगी, तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, 2 वस्तुएं। अगर एक वस्तु की कीमत पूछी जाए तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, 5/10, इस प्रकार से लेते हैं, यूनिटरी लॉ लिख सकते हैं अपने, यूनिटरी लॉ से भी आंसर आ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं एक वस्तु की कीमत निकाल लेते हैं, यहाँ से एक वस्तु की कीमत निकालूँ तो कितनी आएगी स्टूडेंट, 5/8। तो उसने कहा 5 रुपए में 8 की दर से खरीद कर किस दर से बेचा जाए,
से 20% का लाभ हो। तो ये अपना क्या आ गया, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया स्टूडेंट 5/8। अब 20% का लाभ हो रहा है, सेम का सेम इसी प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था कि 8,000 रुपये में खरीद कर 6% लाभ पर बेच देता है। अब खरीदी कितने उसने 5/8 में और बेच कितने रहा है 20% पर, तो अपने सीधा ही क्या निकाल लेते हैं 5/8 का 120% निकालते हैं। अगर परसेंट हटाऊंगा तो स्टूडेंट क्या लग जाएगा 100। तो क्या आ चुका है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ चुका है। तो अपने इसको डिवाइड करते हैं, ये कितने में कटा, अगर 4 के टेबल से काटते हैं तो ये 30 आ गया, ये 2 आ गया, ये 20 आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 3/4। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, वो 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी बेच रहा है, 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है। पहले 5 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदी थी और अब कितनी, 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता तो आप अपने ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं। अब अपने को पता है कि 5 रुपये में 8 वस्तुएं वो खरीद रहा है, तो ऑप्शन से उठा के देखेंगे तो अपने ऑप्शन से ये रखते हैं 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है। अगर इनको करते हैं तो 24, ये 20/20 गुना 100, ये 5 पे कट चुका है, ये कितना है 4 बचा, 4 × 5 कितना होता है 20%। और अपने को चाहिए क्या था 20%, जिसका आंसर 20% होता है वो हमारा ऑप्शन ऑप्शन होगा। तो या तो इस प्रकार से कर लीजिए या ये वाला मेथड भी आपके लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम का सेम यही क्वेश्चन है। कहते हैं 5 रुपये में प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। अब 5 रुपये में कहता है कि 12 वस्तुएं, इट मीन्स दर्जन में कितनी होती हैं, 12 वस्तु होती हैं, 12 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद रहा है। तो एक वस्तु कितने में वो खरीद रहे स्टूडेंट, 5/5/12 में। अब खरीद रहा है किस दर से बेचे कि 50% का लाभ हो। अपने सीधा ही 5/12 के स्टूडेंट 150% निकालते हैं, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, ये 2 पर जाएगा, कितना है स्टूडेंट, अब और भी कट सकता है, ये 5 पर, ये कितने पे कटा, ये 4 पर, तो 5/8 आंसर आया। तो 5/8 आंसर आया, इट मीन्स वो 5 रुपये में 8 वस्तुएं बेच रहा है, क्योंकि वस्तुएं नीचे आ रही हैं तो करके में ये कितना है 5 रुपये में 8 वस्तुएं बेच रहा है। अपने बाय ऑप्शन से उठाते हैं तो कितना था पहले, 5 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद रहे हैं। अगर ऑप्शन उठाता हूँ ये वाला, 5 रुपये में 8 वस्तुएं बेच रहा है, तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 12 × 5 = 60, और ये कितना हुआ 40/40 × 100। तो ये कितने बैठ गया 2 पे, ये कट गया 5 पे, ऊपर कितना बचा 20/2 × 5, ये 10 कटा, तो कितना आया स्टूडेंट 150%। तो कितना आया 50%, 50% हमारा आंसर मांग रहा था। तो आप ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 रुपये में 4 की दर से, ये तो दोनों एक जैसे टाइप थे, अब कहता है 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर एक विक्रेता को 25% का लाभ होता है। अब पहले वो खरीद रहा था, लास्ट में अपने सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अब पहले सेलिंग प्राइस उसने बेच दिया और लास्ट में अपने से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन सेम का सेम था, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो ये टाइप था, इनके जैसा तो मैंने करवा दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप जैसा है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। कहता है कि सुमन ने एक घड़ी 2700 रुपये में बेचकर 10% हानि प्राप्त की, तो घड़ी का क्रय मूल्य प्राप्त बताइए कितना होगा। कहता है कि सेलिंग प्राइस कितना उसका, कितने बेच रहा है 2700 रुपये में, हानि कितनी उठा रहा है वो 10%। कहता है कि सुमन ने एक घड़ी 2700 रुपये में बेचकर 2700 रुपये में बेचकर कितना 10% का लॉस उठाया, तो बताइए उसने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदी। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि 2700 रुपये में बेच रहा है और 10% हानि उठा रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है 90% की वैल्यू वो कितनी बता रहा है अपनी, 2700 रुपये में बता रहा है। इतना तो पता है कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 2700 रुपये से नीचे आएगा, किसी भी हालात में वो 2700 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो हानि उठाकर बेच रहा है। हानि उठाकर बेच रहा है मतलब उसने 2700 रुपये, सॉरी इतना तो पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 3 2700 रुपये प्लस आएगा, क्योंकि अपने को
हानि उठाकर बेच रहा है, अगर लाभ उठा के बेचता तो फिर तो नीचे आता, अब हानि उठाकर बेच रहा है, इट मीन्स वो 2700 रुपये से अप जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अपने ज्ञात करते हैं, अपने को पता है कि 10% हानि उठाकर बेच रहा है, तो यहाँ तो वो नंबर में बेच रहा है कितना, 2700 रुपये में, लेकिन अगर परसेंट में वैल्यू समझो तो वो कितनी होगी, 90। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2700 बटे 90 गुने 100। अब ज्ञात कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ये कितना आया 30, तो ये कितना है 3000। तो उसका कितना है स्टूडेंट, यहाँ 100 की वैल्यू निकाल रहा था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो उसने वो घड़ी कितने रुपए में खरीदी, 3000 रुपये में, सेम की सेम। अब सेम क्वेश्चन अपने यहाँ करेंगे, कहता है कि 5 रुपये में, 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर एक विक्रेता को 25% का लाभ हुआ, तो उसने उसे किस दर से खरीदा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, पहले चार वस्तुएं स्टूडेंट, चार वस्तुएं कितने रुपए में खरीद रहा है वो, 5 रुपए में, तो एक वस्तु, सॉरी 5 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है वो, 5/4 में, तो उसे 25% का लाभ होता है। यहाँ बेच तो रहा है 5/4 में, लेकिन परसेंट में देखूँ, यहाँ तो सेलिंग प्राइस कितना है 5/4, लेकिन वहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग पर, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 5/4, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 5/4 गुने, ये बटे में आएगा 125%, परसेंट हटाऊंगा तो स्टूडेंट क्या लग जाएगा 100 बटे में, लेकिन ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना आया 5/4 × 100/25। अगर आपको ये चीज़ वाली समझ नहीं आती, अगर आपको पता नहीं चला ये कैसे आया, तो अपने इसको काट देते हैं, इसको काटा तो कितना आया 125% × 5/4, यदि परसेंट हटाता हूँ तो यहाँ 100 लग जाएगा। अब एक की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये अब आपस में मल्टीप्लाई होगा, 5/4 × 100/125, तो ये 25 पे कट चुका है, ये 25 × 5 = 125, तो ऊपर क्या है 5/5, इट मीन्स कितना है 1/1। तो एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा है, और चार वस्तुएं 5 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और कहता है कि 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर, 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है। अब सेम का सेम, एक 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि उसे 12% का लाभ हो। एक तरफ तो पहले हानि दे दी, फिर अपने को लाभ दे दिया, दो दो चीज़ें इकट्ठी दे रहा है। अब दो दो इकट्ठी चीज़ें, ये भी मैंने आपको टाइप कराया हुआ है, तो अपने इस टाइप को समझने से पहले एक सिंपल टाइप समझ लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए ये टॉपिक या ये टाइप। कहता है कि राम ने एक पंखा 2550 में बेचा, तो उसे 15% की हानि हुई, सेलिंग प्राइस कितना स्टूडेंट उसका, 2550, लॉस कितना लिया उसने 15%। अब अपने को इससे क्या मिलेगा, अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने ये देखिए सेलिंग प्राइस और लॉस या हानि, तो अपने क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। एक तरीका तो यहाँ से सीपी निकालिए, उस कैश के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो इसका एक और मेथड है शॉर्ट करने का। कहता है कि सेलिंग प्राइस कितना है 2550, लॉस उसे 15%, उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो अपने को पता है कि सेलिंग प्राइस 2550 है, 15% का लॉस है, तो इट मीन्स 85% की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 2550, 1% की वैल्यू कितनी होगी 2550/85। अपने को क्या याद करना है, बताओ उस पंखे को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। पहले तो अपने 100% निकालते थे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब उसने पूछा है कि 20%, तो दोनों तरफ 20%, इट मीन्स क्या करेंगे 120 का गुना कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 2550/85 × 120, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। सोलो करेंगे तो देखिए, सोलो कर सकते हैं, सोलो करके देखते हैं तो कितना आएगा। अगर 17 के पहाड़े से काटें तो कितना आएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 17 कितने बचे 8, 17 × 5 = 0, तो 150 × 120/5, ये कितने पे कटा 2, ये 4, 0, 15 × 4 = 60, 6 × 15 = 30, और 6 कितना 3600, तो उसे 3600 रुपये का लाभ हुआ। अगर आपको ये मेथड टफ लगता है तो अपने इसका एक शॉर्ट वे भी होता है, तो अपने का जितना अपने पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बटे 100 प्लस प्रॉफिट 1
ये लॉस वन गुना सो प्लस माइनस प्रॉफिट टू या लॉस टू, ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब एसपी कितना था हमारे पास 2550। अब प्रथम बार अपने को क्या हो रहा है, प्रथम बार अपने को लॉस हो रहा है तो अपने लॉस कर देंगे 15 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी बार अपने को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो लाभ ऐड कर देंगे, तो कितना 120। सेम का सेम यही बन जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने ये वाला टाइप करते हैं, जो अपने को टाइप दिया हुआ है। कहता है कि 5 रुपये में 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 8 वस्तुएं स्टूडेंट, कहते हैं कि 5 रुपये में खरीद रहे हैं, एक वस्तु कितने में आ गई स्टूडेंट, 5/8 में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5/8। पहले 20% का लॉस हो रहा है तो अपने क्या कर लेंगे, 5/8/20% का लॉस, इट मीन्स 20 में 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितने बचे 80 गुना, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। और 100 में से 12 जोड़ता हूँ तो मैंने आपको कहा था, तो पहले तो मैंने घटा दिया लॉस, फिर मैं 12 जोड़ूंगा तो 12 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 112। अब इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 5/8 × 80 × 112, तो इसको मैं काट सकता हूँ 8 के टेबल से, 8 एकम 8 कितने बचे 4, 8 चौके 32, तो कितना है स्टूडेंट ये 16 पे कट चुका है, ये 14/16, इट मीन्स और कट सकता है 2 के टेबल से 7/8, तो वो 8 वस्तुएं वो 7 रुपये में बेच रहे हैं, 7 रुपये में बेच रहे हैं। ऊपर वाले रुपए हैं, ये देखिए रुपए हैं, नीचे वाले क्या हैं वस्तुएं, तो ये वो कितना आया 8 रुपये में, ये 7/8 आंसर आएगा, ये 8 वस्तुएं 7 रुपये में बेच खरीद रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से होगा। कहता है कि 1 रुपये में 12 की दर से कांच की गोली खरीदती है, तो 12 गोली कितने रुपये में खरीदती है 1 रुपये में, तो 1 गोली कितने में आएगी स्टूडेंट 1/12, तो क्या करेंगे पहली बार क्या रहा है 1/12 है, पहली बार उसे लॉस हो रहा है 12 का, तो कितना आ जाएगा 12, 100 में से 12 घटाते हैं तो 88 आ जाएगा। किस दर से बेचे कि 32% का लाभ हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 132, तो 1/12 × 88 × 132, अगर इस 12 की टेबल से काटता हूँ तो 12 एकम 12 है, तो कितना आ जाएगा 11/88, इट मीन्स 1/8, तो वो 8 गोली 1 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये में बेच रहा है। ये था स्टूडेंट हमारे आज के टोटल टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेट होते हैं। इसके बाद हम जितने भी D++B में लाभ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हैं, चाहे वो PGT में हो, चाहे TGT में हो, चाहे PRT में हो, उन सब की एक वीडियो बनाएंगे। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो 10 बने, चाहे 12 बने, चाहे 5 बने, उनको आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से टाइप आजकल D++B में पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।